क्या सच में पीएम मोदी के घर में बनेंगे भोजपुरी फिल्में? क्या योगी आदित्यनाथ ने कर ली है इसकी पूरी तैयारी? जी हाँ, अब पीएम मोदी के घर में बनेंगी भोजपुरी फिल्में और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल बात यह है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनना लगभग तय है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए बाबतपुर एयरपोर्ट के पास लगभग 106 हेक्टेयर जमीन का जुगाड़ भी कर लिया है। फिल्म सिटी बनने के बाद आने वाले दिनों में यहाँ फिल्म के डायरेक्टर्स एक्टर्स को सभी जरूरी सुविधाएं भारी छूट पर मिलेंगी। जाहिर सी बात है कि फिल्म सिटी बनने के बाद बनारस में कला संगीत को बढ़ावा मिलेगा और बनारस के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में नए कलाकारों और लोगों को रोजगार के साथ कई बड़े मौके भी मिलेंगे। ये भी बता दें कि यूपी सरकार के प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति अवनीश अवस्थी ने लखनऊ में फिल्म बंधु की एक मीटिंग के दौरान तमाम फिल्मकारों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के सामने इस बात की जानकारी दी। वहीं अवनीश अवस्थी ने कहा कि हाल के दिनों में फिल्मों के लिहाज से प्रदेश में माहौल बदला है और सरकार हर हाल में नए कलाकारों और फिल्म से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है ताकि प्रदेश में इसे बढ़ावा मिल सके और नए कलाकारों को काम के लिए दूसरे शहरों में भाग दौड़ना करना पड़े। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान रवि किशन और निरहुआ ने कहा था कि वे भोजपुरी सिनेमा को बढ़ावा देना चाहते हैं और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। अब सरकार द्वारा फिल्म सिटी के निर्माण पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। पूर्वांचल लाइव की रिपोर्ट।